हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे काले चना का छोला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। काला चना का छोला बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम चना लिया है, जिसे हमने 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिया था। तो अब ये अच्छे से फूल चुका है। तो अब हम एक कुकर लेंगे और इसमें हम चना डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी, 1 मीडियम साइज का प्याज, 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे, इसमें हम कुकर डाल देंगे और कुकर में हम 5 सीटी लगने तक चना उबाल लेंगे। तो अब 5 सीटी लग चुका है और हमने गैस को बंद कर दिया है। तो अब हम इसका प्रेशर खत्म होने देंगे और तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। तो अब कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 चम्मच तेल और इसे हम गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 तेज़पत्ता। इन सभी चीज़ों को हम कुछ सेकंड के लिए चटकने देंगे। तो अब ये चटक चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और प्याज को हम थोड़ी देर तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, इसका हल्का सुनहरा कलर आने तक, और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। तो अब प्याज का हल्का सुनहरा कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो अब 1 मिनट पूरा हो चुका है, अब हम गैस को लो कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, नमक हमने उबालते समय में भी डाला था, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच पानी और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम मसालों से तेल अलग होने तक इसे भूनेंगे। तो अब मसालों से तेल अलग होने लगा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ चना, इसे हमने पानी से बाहर निकाल लिया है। पानी को फेंकना नहीं है, हम फिर से ग्रेवी बनाने में उसी पानी का यूज करेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और चना को हम मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। गैस को हम मीडियम कर लेंगे। तो अब 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ये वही पानी है जिसमें हमने चना उबाला है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। तो अब ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसे ढक देंगे और ढक के हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। गैस को हम बंद कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। तो अब 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है, अब ये काला चना का छोला बनकर तैयार है। आप भी इस तरह काला चना का छोला बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।